तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आ रही हो भर्ती परीक्षा में आखिरकार कटअप जो है कितना जाने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ 29 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती है। एक एक पोस्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 305 पोस्ट जो है निकल कर आया है और 305 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो, अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बन पाएंगे और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। एक एक चीज़ जो है, एक एक भर्ती जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो, सिर्फ एक ही बार मेहनत करना है। एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है कि 100 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वही आपके एक अंक के होंगे, 1/4 जो है माइनस मार्किंग होंगे, निगेटिव मार्किंग होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग से, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, ताकि आप एग्ज़ाम्स में और भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ, एग्ज़ाम्स में और भी बहुत अच्छे से नंबर जो है ला पाएँ और डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा और आप एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। तो तैयारी ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो आ रही हो भर्ती परीक्षा में आखिरकार कितने नंबर, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, किस तरह से आपको कामयाबी मिलेगा, किस तरह से आपको सफलता जो है मिल पाएगा, सभी डिटेल सभी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में जो है मिलने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं और कामयाब तो सभी स्टूडेंट्स होना चाहते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आपको आगे कामयाबी और आगे आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप उसके लिए 100% हार्डवर्क करोगे, जब आप उसके लिए जेन्युइन मेहनत करोगे। बस मेहनत करते जाओ और रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना कि हमें रिज़ल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा, हम कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में जो है सोचने से कोई भी मतलब नहीं है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है आपका हार्डवर्क, वो है आपका मेहनत। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप जो है हार्डवर्क कीजिए। जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रिपरेशन होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतनी ही ज़्यादा सफलता देन, उतनी ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। आने वाला टाइम या आने वाला समय जो है आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो आने वाले टाइम को, आने वाले समय को आज से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो उसके लिए आपको आज काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा। मैं यही बोलता हूँ कि आप मेहनत तो कीजिए, आप काम तो कीजिए, आप हार्ड वर्क तो कीजिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी जहन से निकाल दो कि हमें कामयाबी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम सफल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, हमारे सपने पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, हमारे ख्वाब पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने से कोई भी मतलब का नहीं है। आपको सिर्फ काम करना है, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। एक समय आएगा, एक वक्त आएगा जब आपका भी समय बदलेगा, जब आपका भी टाइम बदलेगा। बस उस टाइम्स के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके काम कीजिए। ये वक्त जो है किसी के लिए नहीं रुकता, ना आपके लिए रुकेगा ना मेरे लिए रुकेगा, बस वक्त है चलता जाएगा। लेकिन कामयाब वही इंसान हो कामयाब तो वही इंसान होगा जो उसके लिए मेहनत करेगा, लगातार जो है कोशिश करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, प्रिपरेशंस करते रहेंगे, उन्हीं को जो है कामयाबी मिल पाएगा, उन्हीं को जो है सफलता मिल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 305 पोस्ट है, यकीनन आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देन, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको जो है मिल पाएगा। तो तैयारी आपको अच्छे से करना है, मेहनत आपको अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देन, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर
मिल पाएगा। इसलिए तैयारी अच्छे से करना, मेहनत अच्छे से करते रहना, हार्ड वर्क करते रहना। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ के बारे में, रैंक के बारे में, तो जनरल कैटेगरी वाले का, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो 75 से 80 नंबर वाले स्टूडेंट्स के इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। OBC कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो 70 से 75 नंबर वाले स्टूडेंट के इसमें सिलेक्शन होगा। SC कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो 65 से 70 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ST कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो 60 से 65 नंबर वाले स्टूडेंट का इसमें जो है सिलेक्शन हो पाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेन्युइन पोस्ट है, एक एक पोस्ट, एक एक भर्ती परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी बस ही मेन इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ें मायने नहीं रखता। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपका मायने रखता है वो है आपका हार्डवर्क, वो है आपका जेन्युइन मेहनत। तो जितना ज़्यादा हम जेन्युइन मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा हम जेन्युइन वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देन, उतने ही ज़्यादा कामयाबी, और उतने ही आपको एक अच्छा खासा बेहतर रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा। और आपको कामयाबी जो है ज़रूर मिलेगी जब आप लगातार कोशिश करते रहोगे, जब आप उसके लिए लगातार मेहनत करते रहोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे। क्योंकि हार्ड वर्क करने से ही, लगातार मेहनत करने से ही, कोशिश करने से ही आपको कामयाबी जो है मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज आपने मेहनत किया, अगर आज आपने तैयारी किया तो कल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा या कल आपको कामयाबी मिल जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आपको लगातार उसके लिए काम करना है, लगातार आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना है, और जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देन, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा। तो अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, जो कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है उतने ही आपका कट ऑफ होने वाला है। कट ऑफ का लिस्ट, कट ऑफ का क्राइटेरिया इतना ही होगा। बस अच्छे से तैयारी कीजिए, बस अच्छे से हार्ड वर्क करना, अच्छे से मेहनत करना, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सभी सपने, आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे। और कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। सपने सपने होते हैं, ड्रीम्स ड्रीम्स होते हैं। तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए काम आपको ही करना है, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत जो है आपको ही करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है हार्ड वर्क करना है। तो अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए और आपको सफलता जो है मिल पाएगा। तो बस मेहनत करना अच्छे से। आई होप वीडियो आपको जो है पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसी तरह से नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स को जो है मिल पाएंगे। मैं बस यही बोलता हूँ कि आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्वालिफाइड होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं। तो आज नहीं तो कल आपको वो कामयाबी, आज नहीं तो कल वो सभी सफलता और आपके वो सभी ड्रीम जो है ज़रूर पूरे हो पाएंगे अगर आप आज मेहनत करोगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।